तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम देखने वाले हैं हमारा जो मैथमेटिक्स वन था, मैथमेटिक्स वन का पेपर आज था आपका, तो उसी के रिव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पेपर को बिना देखे बिना समझे आपको हार्ड नहीं कहना है, उसके पैटर्न को पहले आपको समझना होगा। वैसे स्टूडेंट भी हार्ड कह देते हैं जिन्होंने एक बार भी सिलेबस उठा के देखा नहीं है। अगर आपने सही तरीके से सिलेबस देखा होगा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हो सकता है मैं मानता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन ना बन पाए, क्लियर, लेकिन आपको लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम तो पता होगा ना। तो अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन में लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा के इसको थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट सीखा होगा तो। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर ए का वन का ए था, ओके। उसके बाद फ्रेंड आपका क्वेश्चन नंबर वन का बी है, ये आप देख सकते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमम, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना था। तो इसको मैंने जो भी अपने वीडियो सीरीज है M1 का, जिसमें 35 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उसमें आपको, अगर आपने उस वीडियो सीरीज को देख रहा होगा कंप्लीट, तो उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को कराए थे। तो ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर का यहां से हो गया, ये 7 नंबर आपका फिक्स हो गया। उसके बाद मैंने कहा था कि यूनिट नंबर 1 और 2 आप देखेंगे तो उसमें आपको कुशी मीन वैल्यू थ्योरम मिल जाएगा, जिसमें आप इन वैल्यूज को सिंपल सा पुट करके इनके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, सी के वैल्यू को। तो ये आपका 7 नंबर का हो गया, 7 और 7 कितना हो गया आपका 14 नंबर, आपका 14 नंबर यहीं पे हो गया। देन आपने अगर बीटा गामा फंक्शन आपने सही तरीके से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका कितना हो गया 7 मार्क्स का, ये भी था, तो टोटल आपके 21 मार्क्स हो गए। तो क्वेश्चन पेपर को आप ज्यादा हार्ड नहीं कह सकते। उसके बाद फ्रेंड आपका ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, चूंकि देखिए मैंने वीडियोस काफी पहले अपलोड किए हों कर दिए थे और 35 वीडियोस उसमें थे टोटल प्लेलिस्ट में, तो अगर आपने उसको देखा होगा तो इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने उसमें अच्छे तरीके से कराए हैं और इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें अवेलेबल हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको इलिप्स के द्वारा इसका जो था एरिया फाइंड आउट करना था, तो एरिया वाले अगर चैप्टर पर आपका कमांड होगा तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन पेपर आपका हार्ड नहीं था, आपके 21 मार्क्स यहाँ पे हो गए। मान लीजिए यहाँ पर भी आपका 5 मार्क्स मिल गया तो कितना हो गया 26 हो गए। यहाँ पे मान लीजिए आपको दो ही नंबर मिला तो कितना हो गया आपका 28 हो गया यहीं पे। उसके बाद आपका जो मैट्रिक्स का पार्ट है वो अभी है, मैट्रिक्स वाला। उसके बाद फ्रेंड आपका ये फ्यूरियर सीरीज के द्वारा आपको इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना था, जो कि आपका 14 मार्क्स का है फ्रेंड, 14 मार्क्स का। अगर मान लीजिए फ्यूरियर सीरीज के अगर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी आपको पता होंगे, अगर आपने इसको लिख दिया होगा तो कहीं ना कहीं आपको 5 नंबर तो मिल ही सकते हैं। तो वहाँ पर कितना हुआ था हमारा 26 या 28 हुआ था, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, पासिंग मार्क्स आप क्रॉस कर चुके हैं। क्लियर, यहाँ पर आपको देखिए मैंने कहा था कि मैट्रिक्स चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, तो वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, यानी कैले हैमिल्टन थ्योरम को आपको वेरीफाई करना था और साथ ही साथ उसके थ्योरम के द्वारा आपको ए इनवर्स निकालना था, जो कि मैंने अच्छी तरीके से वीडियो सीरीज में बताया था। तो काफी अच्छा पेपर था, हार्ड इसे नहीं कहेंगे, उतना क्वेश्चन आरजीपी भी हर पेपर में देता है कि स्टूडेंट ने अगर पढ़ा होगा तो वो पास कर सकता है, उतना क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलता है। तो ये आपके सामने मौजूद है सारी चीजें, आप इसे देख सकते हैं, ओके। उसके बाद फ्रेंड आपका ये कंसिस्टेंसी चेक करने वाला था, कंसिस्टेंसी के द्वारा आप ए बी और सी के वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करके उसका जो प्रोसेस था कंसिस्टेंसी वाला, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते थे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स से 14 मार्क्स के यहीं पे हो गए और ये भी आपका मैट्रिक्स का ही है, तो यहाँ पे 21 मार्क्स के तो मैट्रिक्स से ही आपका हूबहू मिल गया। क्लियर, यानी ये आपका 14 मार्क्स का है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये शायद 14 मार्क्स का है आपका क्वेश्चन नंबर एक। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बढ़िया था। तो अगर आपका अच्छा पेपर गया होगा तो अपने रिव्यू को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ईडी के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सीरीज को डाल रखा है और उसके प्रोसीजर को मैंने बता रखा है किस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।